अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शेख मज़ार, आप देख रहे हैं एसएसए के। घोरी है, मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद अब्दुल वहाब घोरी है। मैं श्री चंद्रा कोस्ट हाई स्कूल में पढ़ता हूँ, 10th क्लास में। आज जो है सो मेरे साथ, मैं मेरे दोस्त के साथ बात कर रहा था। हमारे मैथ्स के सर सैयद अब्दुल रहमान पीछे आए, आके जो है सो पीछे ठहरे, ठहर के हल मारना शुरू कर दिए। एक साथ पूरी गर्दन पे मारे, 5-6 एक साथ मार दिए। मारने के बाद मेरे को एकदम चक्कर आ गए, आँखों में रोशनी आ गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं घर को जाता हूँ बोले तो भी मेरे को घर को नहीं छोड़ रहे थे। फिर जो है सो किसी की तबीयत और ख़राब हो गई तो जाओ घर को बोल के छोड़े। छोड़ने के बाद घर को आया, आके भाई को बताया, भाई बर्फ़ वह सेके, सेकने के बाद जो है सो दर्द कम हुआ थोड़ा। उसके बाद यहाँ पे पुलिस को गए, जाने के बाद यहाँ पे हॉस्पिटल को भेजे। आपको मार के आप नहीं पढ़ रहे थे या शरारत कर रहे थे? दोस्त के साथ बात कर रहा था मैं। बात करने पे मार जी? क्या कुछ खेल कूद कर रहे थे आप? नहीं, खेल कूद नहीं। सर मारे आपको? सैयद अब्दुल रहमान। क्या पढ़ाते हो आप? मैथ्स। घर कब आए? टाइम पे आया उससे पहले आ गए? टाइमिंग हमारा स्कूल 6:30 तक के चल रहा है, स्पेशल क्लासेस है। तबीयत एकदम अनकंफर्टेबल हो गई थी तो जाके घर को गोलियां खा के बोल के छोड़े थे। कब मारे आपको सर? अराउंड 4। श्री चंद्रास कोस्ट हाई स्कूल। किधर है ये स्कूल? ये शाहगंज में है। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल वहाब गोरी है। मेरे साहबजादे मोहम्मद अब्दुल समद गोरी जो श्री चंद्रा कोस्ट हाई स्कूल में एसएससी के तालिबे इल्म हैं, उनकी उम्र 15 साल है। आज 4 बजे के वक्त मैथमेटिक्स के साहब सैयद अब्दुल रहमान नामी शख्स ने मेरे बेटे को यानी गर्दन झुकाकर इतना मारा है कि उसकी गर्दन सूज गई है। जैसा कि जो है पुलिस वाले जैसा 3rd degree करते, एक मास्टर होते 3rd degree का जो है काम किया है। तो जैसे मुझे फ़ोन आया, मैं फौरी घर पर आया तो मेरा दूसरा जो है भतीजा बच्चे को जब तक जो है बर्फ़ से लगड़ के उसकी स्वेलिंग कम कर गया और कुछ दवाएँ उसको ट्रीटमेंट दिया। फिर जैसे ही मैं आते बच्चा जो बहुत बेचैन हो गया था तो सीधा हुसैनी एलम पुलिस स्टेशन आया, वहाँ पर जो है रिपोर्ट दर्ज करवाया। फिर पुलिस वाले जो है उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल जाने के लिए मुझे कहे और वहाँ कर जाकर मैं जो है उस्मानिया जनरल में बच्चे को जो है मैं जो है ट्रीटमेंट करवाया, वहाँ एक्सरे वगैरह भी लिया और वहाँ पर जो है जो ट्रीटमेंट बच्चे को दिए हैं मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। कि मेरा मकसद ये नहीं है कि स्कूल को बदनाम करना, बल्कि स्कूल के जो है मैनेजमेंट के जो भी अफराद है ऐसे जो है जालिम और जो है गुंडा नासी जो है असातिज़ा को स्कूल में जो है पढ़ाने का मौका नहीं देना चाहिए। आज मेरे बच्चे के साथ हुआ, कल किसी और बच्चों के साथ ना होना, इसीलिए मैं मीडिया से गुजारिश करता हूँ कि ऐसे खातिर मास्टरों को मदरसों में पढ़ाने के लिए तायुन नहीं करना चाहिए, उनको फौरी जो है डिसमिस कर देना चाहिए, वरना स्कूल के ख़िलाफ़ भी एक्शन लेने के लिए मुझे सोचना पड़ेगा। नहीं, बच्चा जो है 10-15 साल का, मैं स्कूल जाके मालूम करा, उसके साथियाँ ये बोल रहे थे कि स्कूल के प्रिंसिपल भी मैनेजमेंट भी नहीं मिले, प्रिंसिपल भी नहीं मिले, और रेहाना मैडम वहाँ के जो है वो इंचार्ज है वो मोहतरमा भी नहीं मिले, और जो है ये मास्टर साहब इससे पहले भी जो है बच्चे को मारे तो मैं नज़रअंदाज कर दिया था, अब तो इंतहा कर दिए कि उन्होंने 3rd degree का इस्तेमाल करे। क्या महकमे पुलिस में मुलाजिमत कर रहे हैं या तालीमत में कर रहे हैं? उनको सोचना चाहिए। और जो मदरसे के जो है
आला जो है उनके सरप्रस हजरात है, जो भी मैनेजमेंट है, करेस्पॉन्डेंट सेक्रेटरी है, उनको चाहिए कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त जो है एक्शन लेना चाहिए। अगर वो ना लें तो फिर हमको कानून का जो है आसरा लेना पड़ेगा। और मीडिया वालों का शुक्रिया जो बरवक्त हमारे मामले में ताउन किए हैं, और पुलिस से भी हम यही मुतालबा करते हैं कि खातिब मदरस के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई किया जाए। कंप्लेंट दे चुका हूँ, हुसैन आलम पुलिस स्टेशन में दिया, उसकी रिपोर्ट है। पुलिस वाले बोले कि आप दवाखाने उस्मानिया को जाइए, वहाँ रिपोर्ट आने के बाद हम जो है मुकदमा दर्ज करेंगे और उसके खिलाफ तहकीकात करेंगे। ये तय खुंदी है, स्कूल मैनेजमेंट के ऊपर भी केस करेंगे और उसकी तहकीकात करके हम उसके बाद क्या है नेक्स्ट स्टेप हम गौर करेंगे। बोल के किए हैं मुझे, अब हुसैन आलम पुलिस स्टेशन जाके ये रिपोर्टें बताना है।